मेरे परिवार में शादी संदेश है कर हमारा कर्तव्य है अरे मेरा नाम पायल साहू है, मध्यमतरी की रहने वाली हूँ। कितना उत्साह है, आपने फर्स्ट टाइम वोट किया है, कैसा लगा? बहुत एक्साइटमेंट था, मेरा फर्स्ट टाइम वोट था तो, बट यहाँ आके मुझे अच्छा फील हुआ है और मैं चाहती हूँ कि सभी को आना चाहिए, अपने अधिकार के लिए वोट करना चाहिए। किस लिए आपने अपना जो है यहाँ वोट डाला है, कैसा क्या चाहते हैं? मैं तो स्टूडेंट हूँ तो मैं एजुकेशन के लिए ही करूँगी वोट, और बहुत सारे चीज़ें हैं, सबको अपने अपने अधिकार के लिए, जिनको जिस भी को चूज़ करना है आप चूज़ करिए और वोट डालती रही है। अभी तक जो लोग नहीं पहुंच पाए हमको क्या मैसेज देना चाहेंगे? जिन लोग नहीं पहुंच पाई है वो अभी यहाँ पहुँचे, और देखिए कि यहाँ बहुत भीड़ बढ़ चुकी है और गर्मी भी हो रही है, इसलिए आप सभी आए और वोट डालें, और जो लोग नहीं आए हैं वो लोग भी आएँ और वोट डालें, क्योंकि ये आपका अधिकार है और आपके देश के विकास के लिए आपको वोट डालना चाहिए। और मैं चाहती हूँ कि आप सभी लोग आएँ और वोट डालें और सब अग्रसर रहे वोट के लिए, देश के विकास के लिए। जी मैम, आपका परिचय बताइए। मैं अंजू शर्मा बोल रही हूँ, गोकुल पुड़वार से। आप अभी वोट डाल के निकल चुके हैं, कैसा लग रहा है? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, मैंने अपना वोट डाल चुका है। और लोगों को क्या कहेंगे जो अभी यहाँ तक निकले? लोगों को ये कहना चाहूँगी कि उन लोग जल्दी से आए और अपना मतदान की करे, और घर से निकल के आने में उन लोगों की अच्छाई है। इतना उत्साह लोगों में देखा जा रहा है, धूप है, बहुत ज़्यादा उत्साह देखे जा रहे हैं लोग बाग में यहाँ, और बहुत अच्छे से हो रही है यहाँ मतदान, और भी निकल का है। जितने लोग भाई बहन सब माताएं बैठे, उससे निवेदन करती हूँ कि उन लोग आए और अपना वोट डाल के जाए। जी सर, आपका परिचय बताइए। जी नमस्ते, मैं परमेश्वर साहू यहाँ गोकुल पुरवाड़े से आया हूँ मैं,
सर यहाँ आपने मतदान देखे, आप निकले हैं, आप कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है मैडम। ये मान के चलिए कि इस समय इतना भीषण गर्मी है और इस गर्मी के बाद भी यहाँ इतनी सारी भीड़ देखने को मिल रही है और लोग लाइन पे लग के यहाँ मतदान कर रहे हैं, तो स्पष्ट है कि लोगों में काफ़ी दिलचस्पी है और पहले से काफ़ी जागरूकता भी आई है। जी 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 फिलहाल तो चूँकि हम पढ़े लिखे लोग हैं इसलिए हम ये चाहते हैं कि भाई जिले का विकास हो, राज्य का विकास हो और देश का भी विकास हो, तो इस दृष्टिकोण से हमने आज अपना मत का प्रयोग किया है मैडम, देख सकते हैं। और यहाँ पे सेल्फी जोन का भी जो है इंतजाम किया गया सजावट जी 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 क्या कहेंगे? जी काफ़ी अच्छा लग रहा है। पहले तो ये होता था कि हम जाते थे और एकदम वीरान सा लगता था, केवल पुलिस की ड्यूटी लगी रहती थी, इसलिए यहाँ पर मैं देख रहा हूँ काफ़ी अच्छे ढंग से सजावट किया गया है और काफ़ी अच्छा माहौल है, बहुत ही सुंदर लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई उत्सव हो रहा है। लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे जो अभी तक मतदान नहीं किए? नहीं नहीं मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जो मतदान नहीं किए हैं वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, मत तो सबका अधिकार है और यहाँ पर कोई भी चूकना नहीं चाहिए। जी मैम आपका परिचय बताइए। मैं धमतरी शहर की निवासी हेमलता शर्मा। और आपने यहाँ वोट दे के आप निकल रहे हैं, क्या कहेंगे आप? यहाँ पे वोट मतदान जो हमारी महिला बहनें हैं मतदान बहुत स्व होके स्वविवेक से वह मतदान कर रही हैं, और हमारी वो बहनें हैं जो अभी तक मतदान करने नहीं पहुँची है। मैं उन लोगों से अपील करती हूँ कि यहाँ जल्द से जल्द आकर अपने परिवार के साथ पहले मतदान करें फिर जलपान करें वाली स्थिति यहाँ पे आएँ। हमारे युवा भाई युवा साथी सभी लोग से निवेदन है कि यहाँ पे जल्द से जल्द मतदान करें। यहाँ की जो व्यवस्था है वो कैसी है? यहाँ की आप व्यवस्था देख रहे हैं, ये गोकुलपुर वार्ड के जो आदर्श मतदान केंद्र है यहाँ भी देख रहे हैं, सारी व्यवस्थाएं यहाँ पे मौजूद हैं। कई महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती, बहुत धूप है बहुत गर्मी है, तो इनसे बचने के लिए यहाँ पे आप देख रहे हैं गोकुलपुर के इस प्रांगण मैदान में यहाँ महिलाओं के लिए बैठने की व्यवस्था है। जो भाई हमारी बहन भाई नहीं चल पाते उनके लिए यहाँ पे व्यवस्था की गई है, और मैं सरकारी जो यहाँ पे मौजूद अमला मौजूद है जो मतदान केंद्र तक ले जा रहे हैं यहाँ पे सारी सुविधाएं हैं। अपने परिवार के साथ हमारे बुजुर्गों के लिए भी चिंता की कोई बात नहीं है, यहाँ मतदान अवश्य करें। पीछे सेल्फी जोन भी बनाया गया है, यहाँ लोग आ रहे हैं सेल्फी भी ले रहे हैं, उसको लेके क्या करेंगे? यहाँ पे तो बहुत उत्साह दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये महापर्व उत्सव का महापर्व दिख रहा है। यहाँ पे सेल्फी जोन में लोग सेल्फी खींच खींच के डाल रहे हैं, बहुत अति उत्साह है हमारे युवा भाइयों बहनों में, और हमारे जो महिलाएं हैं बुजुर्ग महिलाएं, मैंने भी वहाँ पे सेल्फी जोन में अपना फोटो खींचा तो मुझे बहुत ही खुशी हुई कि इस तरह से यहाँ पे सेल्फी जोन बनाया गया है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।